राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी दूरियां खूब सुर्खियों में रही हैं। अब खबर है कि राज ठाकरे अपने भतीजे आदित्य ठाकरे की सियासी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे अपनी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का कैंडिडेट उतार सकते हैं। मुंबई की वर्ली सीट से MNS संदीप देशपांडे को चुनाव में उतार सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को घेर सकती है। वही वर्ली सीट जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे ने 67,427 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ठाकरे परिवार के पहले ऐसे शख्स बने थे आदित्य ठाकरे जिन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना UBT के कैंडिडेट अरविंद सावंत को इस सीट पर जीत मिली थी, मगर सिर्फ 6,715 वोटों की लीड मिली। लोकसभा में शिवसेना UBT की लीड घटने के बाद मन से इस सीट से प्रत्याशी उतारने के मूड में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से संदीप देशपांडे इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। संदीप देशपांडे पिछले काफी दिनों से वर्ली के इलाके में सक्रिय भी हो गए हैं। इसी बीच राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की है। वर्ली का इलाका दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां ऊंची इमारतों और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के दफ्तर हैं। लेकिन इस इलाके में पुलिस कॉलोनी और BBD चाल जैसी कई तंग गलियों वाली झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां भी हैं, जो रीडेवलपमेंट का इंतजार कर रही हैं। इलाके में कई झुग्गी बस्तियों की पुनर्वास परियोजनाएं रुकी हुई हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शनिवार को मुलाकात कर वर्ली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। इसे मनसे की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे अपना उम्मीदवार इस क्षेत्र से उतारने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि मनसे ने 2019 के विधानसभा चुनाव में वर्ली से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि शिवसेना UBT प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में आदित्य ठाकरे को 67,427 मतों के अंतर से जीत मिली थी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।